The the

ज्वाइन करें मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर आपके डिग्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पर ही सॉरी टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करने वाली हूं सो मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट स्टफ ऑल राइट द लिंक विल बी प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेटस गट इन टू द वीडियो यूरिन फॉर्मेशन देखिए आपको पता चल रहा होगा दट वी गंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेकिंग प्लेस इन बॉडी एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यूरिन फॉर्मेशन में तीन स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं या फिर तीन प्रोसेस हैं सेकेंड है ट्यूब्यूलर रीअबॉर्बेशन थर्ड है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन अब ये चीजों को ही एक के बाद एक अपन डिस्कस करने वाले ऑलराइट right, अब एज नेफ्रॉन

नीचे आपको ना हेयर पिन यू टर्न ऐसा दिखता ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनली ऑल राइट दिस इज लूप ऑफ हेनली लूप ऑफ हेनली के बाद जो ट्यूब कंटिन्यू हो रहा है दैट इज डिस्टल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल एंड फिर कलेक्टिंग डक्ट, ऑल राइट अब रही बात कलेक्टिंग डक्ट की अपन एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन का पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट बोल के नहीं बोल सकते बिकॉज ये जो कलेक्टिंग डक्ट है दिस विल अगेन भी कलेक्टेड टू कनेक्टेड टू डिफरेंट नेफ्रॉन्स जहाँ पे नेफ्रॉन्स उन लोगों का जो भी रहता उसमें एक एक पर्टिकुलर कलेक्टिंग डक्ट में पोर आउट करते फॉर एग्जाम्पल अ नेफ्रॉन कैन बी कनेक्टेड हियर यहाँ पे आगे दूसरा नेफ्रॉन रह सकता अ नेफ्रॉन कैन बी कनेक्टेड हियर

MB stands for Malpighian body RC stands for renal corpuscle BC stands for Bowman's capsule

और यहां पे देखो ब्लड जहां से एंटर हो रहा ब्लड जहां से एंटर हो रहा दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टीरियोल एफरेंट आर्टीरियल ऑल राइट एंड दिस इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्टीरियोल इफरेंट आर्टीरियल एंड आगे इफरेंट आर्टेरियल आगे जाके इट विल फॉर्म पेरी ट्यूबुलट अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करो कि ब्लड यहाँ से एंटर फ्रीली होता बट इफ यू द दूमन का साइज ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट एफरेंट आर्टिंग का ल्यूमन ना थोड़ा ब्रॉड रहता वाइड रहता जिसकी वजह से ब्लड इजिली फ्लो होके ये टफ टफ कैपिलरीज में आ जा रहा है जिसको अपन ग्लोमे रिलीज बोल दे रहे ऑल राइट बट इफरेंट आर्टिरीअल को आप देखें तो आगे जाके इफरेंट आर्टिरीअल इज वेरी थिन टू एफरेंट आर्टिरीअल उसका ना नैरो नैरो रहता वाइड नहीं रहता ठीक है तो जिसकी वजह से यहाँ से ब्लड स्लोली पास होने लगता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ता ग्लोमेरुलस में ठीक है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता तो अब ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो हो रहा यहाँ से जो भी कंटेंट रह रहा वो कलेक्ट हो रहा अपने बाउमेंस कैप्स्यूल में सो वॉट एवर इज गेटिंग फिल्टर्ड आउट इट इज गेटिंग कलेक्टेड इन द बाउमेंस कैप्स्यूल स कलेक्टेड इन द बॉमिन्स कैप्स्यूल यहाँ पे जो भी कलेक्ट हो रहा अपन उसको टर्म दे देते एंड दैट इज कॉल्ड एज फिल्टरेट वी कॉल्ड इट एज फिल्टरेट आई होप दिस इज क्लियर तो बॉमि कैप्स्यूल में जो भी फिल्टर होके कलेक्ट किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज फिल्टरेट अप्रोक्सीमेटलीवन हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड इज फिल्टड एवरी मिनट एक मिनट में इलेवन हंड्रेड से ट्वेल्व हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड अब ये जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा प्रेशर की वजह से हो रहा ये समझ में आ गया ब्लड प्रेशर डेवेलप हो रहा ये प्रेशर की वजह से फिल्टर आउट हो रहा सो so, ये जो प्रोसेस है इट इज अ पैसि प्रोसेस इट इज अ पैसि प्रोसेस पैसि प्रोसेस एज इन यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है सेकेंड चीज़ यहाँ इट इज अ नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस नाउ आई आर वी कॉलिंग इट अ नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस बिकॉज ये ये फिल्ट्रेशन के टाइम पे क्या होता है बोले तो उसको नहीं मालूम भाई ये फिल्ट्रेशन का जो भी इक्विपमेंट्स है जो भी चीजा है जो फिल्टर आउट कर रहे चीजों को इन लोगों को ना आइडिया नहीं है कि अपनी बॉडी को क्या चीजा जरूरी है क्या चीजा नहीं जरूरी है तो इन लोग क्या करते पूरे चीजा मिला के ले ले भाई तो बॉमस कैप्सूल तो ले ले, ले बोल सब चीज इसमें डाल देते तो बेसिकली फिल्ट्रेट में क्या रहता एसेंशियल आइटम्स भी रहते नॉन एसेंशियल आइटम्स भी रहते अब एसेंशियल आइटम्स भी बॉडी से चले गए तो अपने लिए प्रॉब्लम हो जाती अपन मुश्किल से खापी के एसेंशियल एसेंशियल, एसेंशियल सब अपनी बॉडी में कलेक्ट करते, तो नॉन नॉन पे also, यहां पे फिल्टर फिल्टर आउट आउट हो जा रहे, दिस स्पेसिफिक प्रोसेस, ना ब्लड जब होता, वो तीन लेयर्स को करके होता। एक तो है Epithelium of Bowman's capsule. Epithelium. ऑफ बाउमेंस कैप्सूल तो एंडोथिलियम एपीथीलियम एंड दोनों के बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन ये तीन लेयर्स को क्रॉस करके ब्लड ग्लोमेरुलस में से जाता अपने बाउमेंस कैप्सूल में सिंपल अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट के बारे में अपन बोल रहे हैं कि जो भी कलेक्ट हो रहा फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा इसका कॉम्पोजिशन और अगर आप आपके ब्लड प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन देखें तो सेम रहता ऑलमोस्ट सेम रहता तो ब्लड यहाँ से जो फिल्टर आउट हो रहा उसका ब्लड प्लाज्मा एंड अपना फिल्ट्रेट अगर आप देखें तो दोनों का कॉम्पोजिशन सेम रहता है इट इज जस्ट दैट फिल्ट्रेट में देर आर नो प्रोटीन्स अवेलेबल फिल्ट्रेट में आपको प्रोटीन्स देखने को नहीं मिलते वेर हैव ये तो हर चीज यहाँ पे बेसिकली हर चीज आपके ब्लड की प्रोटीन्स को छोड़ के ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन्स को छोड़कर फिल्टर आउट हो गई एंड अपने को फिल्ट्रेट फिल्टरेट कैप्सूल में बन गया सो so, यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा दैट इज फॉर्मड वन एटी लीटर्स पर डे एंड वन मोर थिंग जितना भी फिल्टरेट फॉर्म हो रहा बाई बोध द किडनीज इज कॉल्ड एज ग्लोमेर फिल्टरेशन रेट वॉट इज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन के रेट द फिल्टरेट फॉर्म बाई बोध किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलट रेट तो वन एटी लीटर दैट मीनस पर मिनिट इज फॉर्म ऑल राइट right, अब देखो 180 एटी लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट अगर फॉर्म हो रहा है लेट एस फोकस ऑन दैट ओनली 180 एटी लीटर्स पर डे अगर फॉर्म हो रहा बट अपन एक्सक्रीट 180 एटी लीटर्स नहीं करते राइट right? अपन ज्यादा से ज्यादा कितना करते वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर्स एक्सक्रीट आउट करते बट बचा कुछ जो भी फिल्ट्रेट है वो किधर जा रहा तो जब आता अपना प्रोसेस ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्ब समझे तो यहां पे अपन बोले कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल आइटम्स पूरे रह जाते तो एसेंशियल आइटम्स को अपनी बॉडी वापस ले लेती एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्ब्यूबुलर इसलिए बोल रहे क्योंकि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में ही प्रोसेस होता रीअब्जॉर्ब इसलिए बोल रहे कि अपनी बॉडी वापस से खींच ले रही उसको जाने नहीं दे रही इंपॉर्टेंट आइटम्स को वापस से इट इज टेकिंग बैक एंड दैट

कलेक्ट हो गया बॉमेंस कैप्सूल में बॉमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट फॉर्म होने के बाद वो फिल्ट्रेट मूव होता प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल में और वन मोर थिंग टू नोट हियर एक बार ये सुन लो कि यहाँ पे फिल्ट्रेट जो फॉर्म हुआ अपन बोल रहे हैं कि प्ला, ब्लड प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन को सेम है यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन अगर थ्री मिली ऑस्मॉल पर लीटर है इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज थ्री हंड्रेड मिली ओस्मॉल पर लीटर यहाँ फिल्ट्रेट का भी थ्री हंड्रेड मिली ओसमॉल पर लीटर रहता है दैट मीन्स जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है दट इज आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा इन द बॉमेंस कैप्स्यूल अब यही यही फिल्ट्रेट पी सी टी में जाता पी सी टी में देखो मैक्सिमम रीअब्जॉप्शन होता सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द रिऑब्जॉप विल टेक प्लेस इन पी सी ओनली ये अपना ट्यूब्यूल अब प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब हो रहे? अपना वाटर रीऑब्जॉर्ब होता के प्लस रीऑब्जॉर्ब होता एन ए रीअब्जॉर्ब होता सी एल रीऑब्जॉर्ब होता ग्लूकोज वाइटमिन्स अमाइनो एसिड्स ये सब चीज़ें ना सेवेंटी इसीलिए बोल रहे हैं अपन कि मैक्सिमम ऑफ द रीऑब्जॉर्न इज टेकिंग प्लेस इन दी सी टी बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एसेंशियल आइटम्स जो है अपनी बॉडी वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेती एंड दे विल एंटर द ब्लड फ्लो अगेन ऑलराइट समझ में आ गया अब ये जो भी रीअब्जॉर्ब रहता दिस कैन बी ईदर एक्टिव और दिस कैन बी पैसिफ एक्टिव मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती पैसिव मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती अब एक्टिव में आप देखो ग्लूकोज अमाइनो एसिड जैसे चीजा रिओब्सॉर्ब uh, होते हैं, पैसिफ में यूरिया मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट अपना या फिर वाटर आर पैसिवली ट्रांसपोर्टेड यहाँ पे पीसीटी में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो रीअब्जॉर्ब अब अपन को मालूम कि यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है बाहर निकल जाना चाहिए बट यूरिया भी थोड़े अमाउंट में यूरिया रीअब्सॉर्ब हो जाता है बिकॉज टू मेन्टेन द आयोनिक बैलेंस ऑलरेड नो मूविंग अहेड ये पीसीटी में हो गया अब पीसीटी में भी देखो इसका कॉन्सेंट्रेट uh,

हाँ जी अब नाउ मूविंग अहेड यहाँ पे ब्लड अपना अपर असेंडिंग सॉरी लूप ऑफ हेनली में आता नो दिस स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनली थोड़ा सा बड़ा डायग्राम कर लेंगे अपन इधर तो ये देखो ये अपना है लूप ऑफ हेनली ठीक है तो पीसीटी से ब्लड विल मूव सॉरी अपना फिल्ट्रेट विल मूव हियर अब जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव हो रहा दैट विल फॉर्म द डिसेंडिंग लिंबो ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड यहां पे आ जाता उन्हें यू टर्न मार के फिर ऊपर की तरफ जाता जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा दिस लिम्ब विल फॉर्म द एसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनली समझ में आ गया डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनली असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनली अब असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनली को अगर आप देखे उसको फिर अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते पहले तो लूप ऑफ एनली को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे एक है असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनली एक डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हनली अब असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनली को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते दैट इज थ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनली एंड थिन असेंडिंग लिंबो ऑफ लूप ऑफ हेनली आई होप दिस इज क्लियर अब एक के बाद एक ये डिस्कस करेंगे आई होप आप लोग नोट कर लिए इसीलिए आई इसीलिएयर नहीं नोट करे तो बैक करके पॉज करके नोट कर लो सिंपल तो यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग लिंबो ऑफ लूप ऑफ हेनली है दिस इज परमीएबल टू वॉटर परमिएबल टू वॉटर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पर्मिएबल इम्पर्मिएबल टू सॉल्यूट इम परमिएबल टू सॉल्यूड्स तो पर्मियबल वाटर के लिए पर्मिएबल रहने की वजह से जैसा जैसा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता उसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब होते रहता रीअब्सॉर्ब वाटर विल टेक प्लेस अब यहाँ पे क्या हो रहा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा अंदर फिल्ट्रेट में सोल्यूट सल्यूट रह जा रहा बट पानी बाहर आ जा रहा जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा तो यहाँ पे देखो जब पीसीटी में उन्हें थ्री हंड्रेड पे था यहाँ पे नीचे आया है तक जब उसका पानी चले जा रहा तो कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज फ्रॉम 300 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड मिली ऑसमल पर लीटर देन फोर हंड्रेड से धीरे धीरे सिक्स हंड्रेड हो जाता सिक्स हंड्रेड से एट हंड्रेड हो जाता एट हंड्रेड से 1100 हंड्रेड हो जाता 1100 हंड्रेड से ये जब तक उन्हें हेयर पिन टर्न करने पहुंच जाता है यू शेप करने पहुंच जाता है जब तक उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है ट्वेल्व हंड्रेड मिली ऑस्मॉल पर लीटर क्लियर है तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि इंक्रीज हो जा रहा ब्लड प्लाज्मा से तो यहां डिसेंडिंग लिंबो फ्लू ऑफ हेनली में जो फिल्ट्रेट रहता दैट इज हाइपर टोनिक वेन कंपेयर टू द ब्लड प्लाज्मा क्लियर है देखो ब्लड प्लाज्मा का थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मॉल है इसका धीरे धीरे हंड्रेड मिली ऑस्मॉल हो जा रहा है दैट मीनस इन्हें क्या हो जा रहा हाइपर टोनिक हो जा रहा है

सोल्यूट uh, बाहर आ जा रहे हैं जैसे एन ए प्लस सी एल माइनस के प्लस तो ये सब चीजें सोल्यूट में वापस आते जा रहे हैं सॉरी सोल्यूट में सॉरी ये सब सोल्यूट आइटम्स जो है वो वापस से अपने पास रीअब्जॉर्ब होते जा रहे हैं तो वो रीअब्सॉर्ब हो रहे तो यहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे फिर इन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज सॉरी डिक्रीज होते रहता है ट्वेल्व हंड्रेड से फिर उन्हें पहुंच जाता है एट हंड्रेड धीरे 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 होता देन देन हो हो जाता फोर हंड्रेड एंड बाय द टाइम इट रीचेज ट्यूब्यूल अगेन इट विल बिकम थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मॉल पर लीटर आई होप दिस इज क्लियर तो अब यहाँ पे ये हो गया रीअबॉर्बेशन चीजा क्या रीअबॉर्ब हो गए नो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अब फिल्ट्रेट क्या हो रहा लूप ऑफ एनली से आ जा रहा या डीसीटी में ऑल्सो यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेंट्रे ऑस्मोलालिटी इनकी इंक्रीज सॉरी ऑसमोलालिटी इंक्रीज इनकी डिक्रीज हो रही उसकी वजह से यहाँ का जो सॉल्यूट है वी कैन टेल दैट दिस इज हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक टू व्हाट? ब्लड प्लाज्मा जेस्टे सेकंड, फोन रिंग हो रहा दूर है ऑडियो जरा आ रही तो मैनेज कर लो कट हो जाता वो वैसे भी ठीक है तो यहाँ पे जो सोल्यूट रहता है दैट इज हाइपोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा क्योंकि इसकी ऑस्मोलॉलिटी क्या हो रही डिक्रीज होते जा रही एंड बाय द टाइम इट रीचेज द डीसीटी टी इट इज थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल पर लीटर अब यहाँ पे डी सी टी की बात करेंगे अपन डी सी टी में क्या हो रहा कंडीशनल रीअब्जॉर्बन देखने को मिलता है डी सी टी में अब नॉर्मल केसेस में क्या हो रहा इतने पीसीटी और लूप ऑफ हेनली में रिअब्जॉप हो जा रहा भाई नॉर्मली बट डीसीटी में क्या हो रहा कंडीशनल डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में भी वी आर सीइंग कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल रिअब्सॉर्प्शन अब कंडीशनल रीअब्जॉर्ब बोले तो क्या भाई एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा दिए तो ही उन्हें काम करता फॉर एग्जाम्पल देखो कोई भी बच्चा है उनका एग्ज़ाम है या फिर उनको कुछ होमवर्क मिला तो उनके पेरेंट्स एक कंडीशन लगा देते कि आप आपके आपका होमवर्क करिए या फिर आप आपके एग्जाम का पढ़ लिए तो आपको फ़ोन देते खेलने के लिए या तो आपको चॉकलेट दिलाते खेलने के लिए तो वो बच्चा क्या करता वो पर्टिकुलर चीज़ पर काम करना स्टार्ट करता होमवर्क फिनिश कर देता क्योंकि वहां पे एक कंडीशन लगा रहे पेरेंट्स तो वो कंडीशन के लिए उन्हें चीज़ा करना स्टार्ट कर देता तो लाइक वाइज यहाँ पे भी पी सी टी सॉरी डी और कलेक्टिंग डक्ट में भी कंडीशन अप्लाई करें तो ही इन लोग काम करते कंडीशन जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे देखो अपने बॉडी से ज़्यादा पानी बाहर चल जा रहा है या फिर अपने ब्लड में सोडियम की कमी हो गई तो अपना ब्रेन क्या करता है लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं हॉर्मोन्स से करते कौन से हार्मोन्स है भाई ए डी एच एल्डोस्टिर एल्डोस्टीरोन ठीक है एडीएच अगर सेक्रेट हुआ तो एडीएच क्या बोलता अपने डिसेंडिस डिसे, डिस्टल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट को कि पानी ज्यादा मत जाने दो क्योंकि अपने बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा हो जा रहा तो एडीएच क्या करता वाटर का रीअब्जॉर्बन कराता जितना भी हो सके उतना वाटर उन्हें रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करता फ्रॉम द डीसी टी एंड कलेक्टिंग डक्ट ताकि अपने बॉडी से वाटर का वेस्टेज ना हो एंड रही बात एल्डोस्टीरोन की एल्डोस्टीरोन क्या करता जब अपने बॉडी में डिटेक्ट होता है कि सोडियम के लेवल्स कम है तो उन्हें सोडियम का रीअब्जॉर्बन कराता फ्रॉम डी सी एंड कलेक्टिंग तो ये ये सोडियम हो रहा होता वॉटर होता ठीक है दूसरे चीज यहाँ पे रिओब्जॉर्ब होते वाइज यहाँ पर भी ये वाला जो कलेक्टिंग डक्ट है दिस परमिएबल टू बोथ सोल्यूट एंड ये क्या बोलते हैं वॉटर तो जितना भी हो सकता है वॉटर ये भी यहाँ से रिअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता एंड कलेक्टिंग डक से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रिअब्सॉर्ब होता है अब ये यूरिया एक साइकिल में रहता है आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए रहता है यहाँ से यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है यहाँ सेनली के थिन डक से अंदर जाता उन्हें फिर साइकिल में वापस रिपीट होता फिर साइकिल में उन्हें वापस रिपीट होता ऐसा रिपीट होते रहता है दैट इज टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक से वॉटर सोडियम के प्लस ये सब भी सॉरी एनए प्लस एनए प्लस सीएल माइनस ये सब चीजें भी रीअब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते अब इसके कॉन्सेंट्रेशन की अगर अपन बात करें तो डीसी टी में देखो थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मॉल का एंटर हो रहा थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल का है तो ये थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल ब्लड भी थ्री हंड्रेड ब्लड प्लाज्मा भी थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल तो डीसीटी में भी आइसोटोनिक तो ब्लड प्लाज्मा बोल सकते हैं तो डीसीटी में आइसोटोनिक आइसोटोनिक देखने को मिल जाता एंड रही बात कलेक्टिंग 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 डक्ट डक्ट की में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा जिसकी वजह से उन्हें फिर हाइपरटोनिक हो जाता है ठीक है दिस विल गेट हाइपरटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा सिंपल है समझ में आ गया सो दैट वॉज ऑल अबाउट ट्यूब्युलर रीअब्जॉर््शन इसके साथ अपन ट्यूब्युलर रीअब्जॉर्प्शन भी कर लिए नेक्स्ट वीडियो

के प्लस एन हेच थ्री यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में अपन को देखने को मिलता हच प्लस के प्लस तो ये सब चीजें बेसिकली री सेक्रेट आउट हो जा रहे हैं फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इसीलिए एरोस कैसा बना रहे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ, ये अपने कैपिलरीज है तो यहाँ ब्लड से निकल रहा उन्हें इसमें जा रहा है इसीलिए एरोस का डायरेक्शन आप देखो अगर वही रीअब्जॉर्प्शन में अगर आप देखें तो क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ कैपिलरीज है यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे फिल्ट्रेट से उन्हें कैपिलरीज में आ रहा तो एरोस देखो बाहर की तरफ रह रहे यहाँ पे सेक्रेट हो रहा ब्लड कैपिलरी से फिल्ट्रेट में जा रहा तो एरोस ऐसे रह रहे तो ये सब आयोन्स वगैरह ना यहाँ पर सिक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाते इन ऑर्डर टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस या फिर एसिड बेस्ड बैलेंस या फिर सोडियम पोटेशियम बैलेंस तो ये बेसिकली अपने बॉडी में मेंटेन करने के लिए ये सॉरी एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें सेक्रेट हो रहे एंड दैट वाज ऑल अबाउट अब ट्यूबुलर सेक्रीशन देखो इट विल ओनली बी द एक्टिव प्रोसेस ये सिर्फ एक्टिव प्रोसेस रहता है जैसे यहाँ पे रिओब्जॉर्बन में एक्टिव पैसिव दोनों दिखाता अपन को यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस रहता एंड ऑल्सो अगर आप देखें तो लूप ऑफ हेनली में कुछ भी सिक्रीट uh, नहीं होता सिर्फ दिस इज ओनली फॉर रिअब्जॉर्शन ऑफ वॉटर एंड रिऑब्जॉर्प्शन ऑफ सोलूट सो दैट वॉज द वीडियो